भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है, तो दादा हा? जी कथा सुननी है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। अच्छा, कहा था ना चल झूठा। डीजल का क्या हुआ? इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है, तो दादा जी इंटरनेट पे तो लिखा है कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? उल्लू मत बनाओ, उल्लू बनाओ। पेट्रोल गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मंत्री जी, रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आप ही रहे पिछले इलेक्शन का उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। देखिए ये जुमला है, उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। जनता समर्थन न करे इसके लिए एड़ी चोटी का झोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हद हो गई। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए।